राम मंदिर का निर्माण तो पूरा होने वाला है, लेकिन अटक गया अयोध्या में मस्जिद का काम। ट्रस्ट के पास नहीं बचा पैसा, टुकड़ों में काम करवाने की हो रही तैयारी। धन की कमी की वजह से बदला फैसला, अब नए सिरे से शुरू होगा मस्जिद का काम। देखिए क्यों आई खजाने में कमी और क्या है ट्रस्ट का नया प्लान। क्या दान दाताओं ने खींच लिए हाथ या फिर मुस्लिम समाज ही हो गया निर्माण से दूर, वजह चौंकाने वाली है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद से शुरू हुए मंदिर निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है और आधे से ज्यादा काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन बात करें मस्जिद की, तो न जाने किसकी नजर लगी है कि यहाँ मस्जिद का निर्माण खटाई में पड़ता जा रहा है। एक तरफ ट्रस्ट जल्द से जल्द निर्माण को पूरा करना चाहता है, तो दूसरी तरफ हालात ये हैं कि ट्रस्ट के खजाने में कमी आ रही है। ऐसे में अब मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा फैसला किया गया है, जिससे जहां मुस्लिम समाज में नाराजगी दिखाई दे रही है, तो वहीं सवालों में भी यही समाज है कि क्या अपनी ही इबादतगाह को पूरा करवाने में मुस्लिम समाज ही पीछे दिखाई दे रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में मिली जमीन पर मस्जिद, अस्पताल और सामुदायिक रसोई समेत एक बृहद परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने धन के अभाव के चलते अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ट्रस्ट अब मस्जिद समेत इस परियोजना से संबंधित अन्य इमारतों का निर्माण टुकड़ों में करवाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। उसने पहले इस परियोजना की शुरुआत मस्जिद के बजाय अस्पताल के निर्माण से करने का फैसला किया था, लेकिन इस पूरी परियोजना को एक साथ शुरू करने के वास्ते डेवलपमेंट चार्ज समेत करोड़ों रुपए बतौर शुल्क चुकाने पड़ेंगे, जिसके लिए ट्रस्ट के पास धन नहीं है। यही कारण है कि ट्रस्ट ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए टुकड़ों में काम करवाने का फैसला लिया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता ने बताया कि धन की कमी की वजह से अभी हमें परियोजना को रोकना पड़ेगा। इस मुश्किल के बावजूद हम इस परियोजना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि रणनीति में बदलाव करते हुए छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करवाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि अब हम अस्पताल के बजाय सबसे पहले नए सिरे से मस्जिद का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण में जमा करेंगे। मस्जिद के निर्माण में काफी कम धन खर्च होगा, जिसका इंतजाम करना आसान रहेगा। उन्होंने कहा कि हम पहले मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि मस्जिद बहुत छोटी है और हर आदमी इस परियोजना को मस्जिद के नाम से ही जानता है, इसीलिए ट्रस्ट अब मस्जिद के निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में अब ट्रस्ट बदले हुए फैसले के साथ काम करने की तैयारी कर रहा है। देखना यह है कि ट्रस्ट का फैसला कितने काम का साबित होता है और कितनी जल्दी मस्जिद का निर्माण पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।